मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले हर्रई तहसील के वार्ड नंबर 12 में बारिश का कहर जारी है। यहां 40 से 50 मकान जलमग्न हो गए हैं, वहीं 2 से 3 मकान बारिश के कारण गिर गए हैं। मकानों में पानी भर जाने के कारण कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं। वहीं प्रभावितों को जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन रैनबसेरा और कन्या प्राथमिक शाला बालकशाला में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है। यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 40 से 50 मकानों को खाली करवाया है और लोगों के लिए भोजन के पैकेटों की व्यवस्था भी की है। मैं जयेश ठेपे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्रई। अभी जैसा कि यहां पर पानी ज़्यादा गिरने के कारण कुछ घरों में पानी भर गया है, वहाँ के लोगों को वहाँ से तुरंत शिफ्ट करने के लिए सामुदायिक भवन जिसमें 100 लोगों के आसपास रुक सकते हैं और रैन बसेरा दोनों खुलवा दिए गए हैं, जिससे लोगों की व्यवस्था तत्कालीन व्यवस्था हो गई है और नगर पालिका के सहयोग से उनके भोजन की व्यवस्था भी हो रही है। जी देखिएगा, हमारी स्थिति खराब है, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, हम इसके बारे में क्या करें बताइए, आप ही बता सकते हैं क्या कर सकते हैं हम इस स्थिति में। हमारे घरों में पानी भर रहा है, छोटे छोटे लड़के बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं। 40 से 50 कितने मकानों में पानी भर गए? 40 से 50 मकान से कम नहीं है इस मोहल्ले में, वार्ड नंबर 12। सरकारी कोई व्यवस्था मिली आपको? नहीं मिली कोई व्यवस्था नहीं मिली हमको, क्या मिली? यहाँ उन्होंने कहा है, कल आए थे अधिकारी लोग, उन्होंने कहा है भाई समुदाय भवन चलो, वहीं पर सो, वहीं पर रहो आप। हाँ बना खाना, पानी भर गया तो हम क्या करें बताइए सर। ठीक है, हम नगर में अत्यधिक पानी गिरने के कारण जो हर्रई नगर के पास जो तालाब है और उसके बाद जो मकान बने हुए हैं, वो गरीबों के मकान में पानी भर गया है, उनके सोने के लिए व्यवस्था नहीं है और बच्चे लोग और महिलाएं रात रात भर जागती रही हैं, उनके घरों में जीव जंतु आबादी घुस गए हैं। शासन ने जो व्यवस्था कराई थी यहाँ सामुदायिक भवन में उनको रुकने के लिए, वहाँ भी इतना ज़्यादा पानी भरा है कि बच्चे वहाँ भी नहीं सो पा रहे हैं। हमारा शासन से निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं, जो खाना वगैरह 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो उनके खाने की पीने की और रहने की व्यवस्था तत्काल कराएं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये 2 दिन से भूखे पड़े हैं। हमारा शासन से निवेदन है कि शीघ्र ही इन गरीब असहाय लोगों के लिए जिनके घरों में पानी भर गया है उनके रहने की और खाने की समुचित व्यवस्था कराएं।